बंदर अंधकार, तुम सभी को बनाएगा अपना बंदर। अंधकासुर ने सभी देवताओं को अपना बंदी बना लिया है और आपकी शक्ति के बिना पिताश्री भी एकाकी उनका वध नहीं कर सकते। ए बालक, वो घेरे मेरे हैं। बालक, वो घेरे मेरे हैं, मुझे लौटा दो। हाँ, लौटा दो मुझे, वो घेरे मेरे हैं। अच्छे बालक हो ना तुम, तो लौटा दो वो घेरे, लौटा दो। बालक, वो घेरे मेरे हैं, लौटा दो मुझे। अच्छा, आपके हैं? तो ले लीजिए, लीजिए ना। आइए आइए, लीजिए। हाँ हाँ लीजिए भैया, ये लीजिए। नहीं, इंद्रदेव पकड़िए इसे। नहीं, रुक जाओ। वायुदेव आप ही पकड़िए। मेरे घेरे मुझे लौटा दो, लौटा दो मुझे मेरे घेरे। ये है इन असुर योद्धाओं की वास्तविकता, ये सभी इन घेरों में हैं और इन्हीं से बाहर इनके प्रतिरूपों को शक्ति प्राप्त हो रही है। नहीं, रुक जाओ, नहीं, रुक जाओ, नहीं, मेरे मेरे घेरे, नहीं, देखना मत। आपको क्रीड़ा में बहुत आनंद आता है ना अंधकासुर जी? तो देखिए अब हम आपके साथ कैसे क्रीड़ा करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, नहीं। सावधान, कंदुक नहीं है ये। नीचे गिर गए तो खंडित हो जाएंगे। रुक जाओ। आनंद आ रहा है ना अंधकासुर जी? अग्निदेव, मेरे घेरे मुझे लौटा दो। आओ अंधकासुर, आओ। ये लो तुम्हारे घेरे। वरुण देव, ये लो अंधकासुर, ये लो अंधकासुर तुम्हारे घेरे। ये लो अंधकासुर, पकड़ो। ये लो अंधकासुर तुम्हारे घेरे। अंधकासुर, ये लो तुम्हारे घेरे। आओ अंधकासुर, ये लो, अब पकड़ो तुम्हारे घेरे। अंधकासुर, चाहिए चाहिए, लीजिए अंधकासुर जी। ये तुम्हारे घेरे, ये लो, लो पकड़ो अंधकासुर। तुम्हारे घेरे, ये लो, ये पकड़ो। ये लो तुम्हारे घेरे अंधकासुर, तुम्हारे घेरे। ये लो अंधकासुर, ये लो तुम्हारे घेरे। भैया, बाहर के असुरों का वध करने के लिए इन भीतर वाले असुरों का अंत करना होगा हमें। ये लो तुम्हारे घेरे, अब पकड़ो। ये लीजिए गणेश जी। लो पकड़ो अंधकासुर, ये लो अंधकासुर। तुम्हारे घेरे पकड़ो, तुम्हारे घेरे, ये पकड़ो तुम्हारे घेरे, पकड़ो अंधकासुर। रुक जा बालक, रुक जा। आप स्वयं ही रोक लीजिए। ये लो गणेश। अब ये भी। गणेश जी, आइए 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 अंधकासुर जी। नहीं, नहीं। ये लीजिए। अग्निदेव जी, तत्काल खंडित कीजिए अपनी शक्ति से उसे। Oh!
अंधकासुर, तुम्हारे ये मायावी योद्धा भी नष्ट हो गए। अब तो कोई शेष नहीं रहा तुम्हारा साथ देने के लिए। क्यों अंधकासुर जी, अपनी पराजय स्वीकार कर पूर्ण समर्पण के साथ श्री हरि नारायण से क्षमा याचना कीजिए। वो अब भी आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। झुक कर क्षमा मांगने पर विवश हो गया यह अहंकारी। अहंकार नष्ट हो गया है इसका इंद्रदेव। हाथ बांध कर क्षमा मांगेगा प्रभु से। मेरे सभी असुर महायोद्धा मृत्यु को प्राप्त हो गए। मेरी विशाल सेना नष्ट हो गई और नष्ट हो गया अंधकासुर का अहंकार भी उसकी पराजय के साथ। यही सोच रहे हो ना आप सब? जो कदापि नहीं होगा देवता। नहीं, योचित नहीं। नहीं अंधकासुर, इसका भीषण परिणाम होगा। रुक जाओ अंधकासुर। अंधकार में समा रहा हूं। मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु, रोकिए इसे। कोई शेष नहीं रहेगा। यहां से हटकर अपनी सुरक्षा करो गणेश। महादेव, मेरा अंधकार निकल जाएगा आपके इन पुत्रों को। नहीं भैया, मैं कहीं नहीं हटूंगा। मुझे पकड़ कर रखिए आप, आपको भी कुछ नहीं होगा भैया। गणेश, तुम मुझे पकड़ो, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। कैसे संभव है? मेरे सर्वघाती अंधकार में ने भी समाहित होना चाहिए था। परम ब्रह्म स्वरूप है गणेश और कार्तिकेय। अंधकासुर का अंधकार कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता इन्हें।
जी, आप अपने अंधकार से जितना विनाश कर सकते थे कर चुके। अब हम इस अंधकार को सदा के लिए नष्ट करेंगे। सभी को अपना बंधक बनाता हूँ। मेरा सर्वनाश कोई नहीं कर सकता। नाश कर दूंगा पूरी सृष्टि को, नाश कर दूंगा, मिटा दूंगा सबको। देवताओं को अंधकासुर के अंधकार से मुक्त कराने के लिए उसका वध करना होगा। यह कैसा गहन अंधकार है, कहां हूं मैं? आने वहां पर कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहा? देवराज, मैं आपका स्वर सुन सकता हूं किंतु आपको देख नहीं सकता। भाई जी, कहां आए हो? देवगण, अंधकासुर ने हमें अनंत अंधकार के शून्य में बंदी बना लिया है। था नहीं, हम यहां से कैसे मुक्त होंगे? जाओ अंधकासुर, अपनी नियति से तुम नहीं भाग सकते। संसार को यूं नष्ट नहीं कर सकते हो तुम। अंधक जो चाहे कर सकता है,
सर्वशक्तिमान है अंदर। अब तो देवों की शक्ति भी मेरी बंधक बन चुकी है, शेष है तो मात्र शक्तिहीन त्रिदेव। अंधकासुर को रोकने में सफल हो गए। मुझे विश्वास है पिताश्री, मामा जी और फूफा जी से बच नहीं सकेंगे अंधकासुर। अब उनका अंत निकट है। ब्रह्मदेव का वेद पाश कैसे खंडित कर दिया? मुझे बांध पाना इतना सरल नहीं। भागने की चेष्टा मत करना अंधकासुर, अब तुम्हारा अंत निकट है। असंभव। अंधकासुर को तो मामा जी की शक्ति भी नहीं रोक पा रही है। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती और श्री स्वरूपा देवी लक्ष्मी, इन दोनों की अनुपस्थिति के कारण हम सभी देवता शक्तिहीन और श्रीहीन होते जा रहे हैं। मामा जी ने कहा था, माता के जाने के बाद शक्ति खोई थी हमने, मामी जी के लौटने के पश्चात श्रीयुक्त तो हो गए हैं हम, किंतु जब तक माँ नहीं लौटेंगी हमारी शक्ति पूर्ण शक्ति नहीं होगी। मुझे माँ को लौटा कर लाना ही पड़ेगा। माँ, अंधकासुर को रोकना असंभव हो रहा है। सभी देवताओं, यक्षों, किन्नरों और गंधर्वों को लील चुके हैं वो, और अभी भी पिताश्री, फूफा जी और मामा जी उसे रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। पिताश्री, आपके बिना अंधकासुर को नहीं रोक सकेंगे। उन्हें आपकी अर्थात अपनी शक्ति की आवश्यकता है, और शिव की शक्ति तो आप ही हैं माँ। मेरी पुकार सुनिए माँ। महादेव, आपको क्या लगा, आपके ये ब्रह्मदेव विष्णु मुझे
अंधकासुर को रोक सकेंगे। क्या आपको ज्ञात नहीं ब्रह्मदेव कि मैं अवध्य हूँ? आपने ही तो वरदान दिया था मुझे। वरदान दीजिए मुझे ब्रह्मदेव, जब तक रक्त की एक बूंद भी मेरे तन में शेष रहे, कोई मेरा वध न कर सके। ऐसा ही होगा। मेरी विनती सुनने के लिए धन्यवाद माँ। निर्बल को बल देती तू, बल का घमंड व्यक्ति को अंधा बना देता है और यही उसके विनाश का कारण बनता है।